सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 8 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दिया है कि हमने एक चाप दी है AC, उस पे कहीं बिंदु F दिया हुआ है, उससे एक स्पर्श रेखा खींचनी है। दी हुई चाप AC पर बिंदु F से स्पर्श रेखा खींचिए। समझने की कोशिश करते हैं लफ लेआउट के द्वारा। ये एसी चाप हमारे पास दी हुई है, इसमें कहीं बिंदु एफ दिया हो, चाहे यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसमें किसी भी बिंदु पे एफ हो सकता है। आप चाहें तो यहां ले लीजिए, ये एफ बिंदु है, तो इसके ऊपर ऐसी स्पर्श रेखा लेनी है जो इसको स्पर्श करे चाप को। कहां पे? एफ बिंदु के ऊपर स्पर्श करे, ऐसी एक स्पर्श रेखा लेनी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे ले लेते हैं। एक चाप हमारे पास दी हुई है, इसका नाम उसने दिया है AC चाप, इस पे कहीं बिंदु F दिया हुआ है, सेंटर में लो इधर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, F बिंदु से दोनों तरफ समान दूरी के ऊपर दो बिंदु ले लेने हैं। उस समान दूरी दो बिंदु लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये देख रहे हैं, ये आ गया हमारे पास, जहां ये काट रहे हैं ये आ गया G बिंदु और ये आ गया H बिंदु। G और H को आपस में मिलाइए, G और H को आपस में मिलाइए। अब ये GH क्या है, ये GH एक सरल रेखा आ गई है और सरल रेखा के बाहर कहीं बिंदु F दिया हुआ है। अब क्या है, जितनी G से दूरी F तक है उतनी ही दूरी H से F तक है, यानी कहने का मतलब दोनों से समान दूरी के ऊपर बिंदु है। अगर ये दोनों से समान दूरी के ऊपर बिंदु है तो हमारे पास जब हम इसके समानांतर ले जाएंगे तो इसको स्पर्श ही करेगा, वो F बिंदु पे स्पर्श करेगा। इसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास सेट स्क्वायर वाला, वो हम सेट स्क्वायर से इस तरह से लगाते थे लाइन, ये हमने मेथड सीखा हुआ है, पर इसमें सेट स्क्वायर द्वारा नहीं कहा है तो हम सेट स्क्वायर वाला मेथड नहीं कर रहे हैं, तो हम करने जा रहे हैं प्रकार द्वारा। तो प्रकार से मेथड कैसे होता है, क्लास 6 में हमने पढ़ा हुआ है, उसको आज दोहराने की कोशिश कर रहे हैं वही। अब हमारे पास ऑलरेडी बिंदु हैं हमारे पास, तो हम एक्स्ट्रा बिंदु नहीं लेंगे। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि अगर ए बी रेखा के बाहर कहीं बिंदु के दिया हुआ है, उसके ऊपर स्पर्श रेखा लेनी है और वो भी ए बी रेखा के समांतर के बिंदु से, के बिंदु पर स्पर्श रेखा समांतर रेखा लीजिए, जो कि कैसी हो, हमारे पास प्रकार द्वारा लिया हुआ। ये प्रकार से हम क्वेश्चन करते थे, ए से के तक चाप लगाते थे और वैसे ही चाप हम के से ए तक लगाते थे, और फिर के जहां काटता था नीचे ये भुजा काटती थी, ये वाली चाप काटती थी, के एल हमारे पास आता था, इसका साइज KL के बराबर लेके फिर A से ऊपर की तरफ काटते थे, जितना डिस्टेंस यहां से ऊपर था उतना ही डिस्टेंस यहां से, और इसको मिला लेते थे। ये थी हमारे पास AB रेखा के समानांतर K बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा। अब वही मेथड जो है यहां पे भी फॉलो हो रहा है, यहां पे भी वही चीज फॉलो हो रही है। जैसे मैं बता रहा था कि हमने F बिंदु से समान दूरी के ऊपर दो बिंदु G और H ले लिए हैं, अगर ये समान दूरी के ऊपर बिंदु है उसी तरह से समान दूरी के ऊपर है, तो हमने क्या करना है कि F बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा लेनी है। मेथड वही होगा जैसे हमने A से चाप लगाई थी K तक, उसी तरह से G से चाप लगाएंगे K तक प्रकार खोल के। इस क्वेश्चन को H से भी किया जा सकता है, H से F तक चाप खोल के लगाई जा सकती है, पर हम G से ही लगा रहे हैं क्योंकि वही मेथड हमने किया हुआ, ऐसी साइड को किया हुआ है तो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगती है। ये हमारे पास आ गया H के बाद आ गया I बिंदु। अब क्या, G से F तक लगाई थी, अब उल्टा करना है, अब F से G तक प्रकार खोलेंगे, F से G तक प्रकार खोलने की जरूरत नहीं है, उतना ही है हमारे पास ये प्रकार, हमने कोई छोटा बड़ा नहीं किया। पहले G से F तक चाप लगाई थी, प्रकार खोल के चाप लगाई थी, फिर F से G तक प्रकार खोल के ये चाप लगा दी। थोड़ा डार्क कर देता हूं इनको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। अब I से F तक जितनी दूरी थी, I से F तक जितनी दूरी थी उतना G से ऊपर की तरफ काट दिया,
ये आ गया हमारे पास जे बिंदु। जैसे हमने के से एल तक काटा था उसी तरह के से एल साइज लेके ए से काटा था ऊपर, उसी तरह से हमने आई से एफ तक साइज लेके जी से जे बिंदु तक काट दिया। तो ये आ गया हमारे पास जे बिंदु, जे को मिला देना है एफ के साथ, ये हमारे पास आंसर है। तो ये क्या करेगा, ए जो सी चाप दी हुई है, ए सी चाप को बिंदु एफ दिया हुआ था, वहां पे जाके क्या कर रहा है इसको, ये स्पर्श रेखा है वहां पे जाके स्पर्श कर रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 8 के लिए। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।